हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए पांच इंट्राडे स्टॉक लेके आया हूँ। जो आपको मैं लेवल बताऊंगा, वो लेवल के ऊपर अगर कल मिलते हैं आपको, तो आप उसमें ट्रेडिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो गाइस, इसमें जो स्टॉप लॉस लेवल है वो 2% का रहेगा, और अपना जो रिवॉर्ड रहता है वो पहला टारगेट 6% पे रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा वो 12% पे रहेगा। यानी एवरेज करोगे तो आपने टोटल 9% एवरेज मिलेगा। 6 और 12 18 और डिवाइड बाई 2, यानी 9% का एवरेज मिलेगा। और ये 1 से 2 दिन का ट्रेड रहेगा गाइज। तो गाइज, जो पांच ट्रेड मैं आज देने वाला हूँ, उससे पहले जो बता देता हूँ कि गुरुवार को मैंने 3 स्टॉक दिए थे आपको। उसमें एक था हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में देखो, बाइंग लेवल मैंने बोला था आपको, मैं स्ट्रेटजी भी बाद में समझा देता हूँ। जो लोग नए, कल का वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं कि देखो, RSI की वैल्यू 70 के ऊपर होनी चाहिए। RSI 50 की, यहाँ ध्यान देना, RSI 50 है यहाँ पे। ओवरबॉट की वैल्यू 70 के ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद ये रेड कैंडल बननी चाहिए कोई भी, तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपने बाय करेंगे। तो मैंने हैप्पीएस्ट माइंड बोला था आप बाय करने को, 1539.70 था, तो 10 पैसा ऊपर है, 1539.80 पे बाइक बोला था, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, स्टॉक नीचे आ गया। अभी फिर से रेड कैंडल बना है, तो अभी इसको फिर से बाइक कर सकते हो, क्योंकि RSI की वैल्यू देखो 70 के ऊपर ही अभी भी ट्रेड है, तो अपने इसको बाइक कर सकते हैं। तो इसमें अपना वैलिड सेटअप नहीं हुआ था एक, फिर एक हिम्मत सिंह का सीड है, उसमें अपना स्टॉप लॉस हो गया था, उसमें बाइंग प्राइस के ऊपर गया था, फिर 259 का स्टॉप लॉस हो गया था, तो उसमें 2% का अपने को स्टॉप लॉस हो गया था। और एक हाईटेक पाइप नाम का स्टॉक था, देखो मैं बोला था ना आपको कि मोमेंटम स्टॉक बहुत अच्छे से भागते, तो देखो 541.15 अपना ट्रिगर प्राइस था, लेकिन ओपन प्राइस देखो 542.30 था, यानी ओपन प्राइस अपने बाइंग प्राइस से ऊपर था, इसलिए इनवैलिड सेटअप हुआ। अगर थोड़ा भी 1 रुपीस भी नीचे ओपन हो जाता तो अपना वैलिड सेटअप होता और अच्छे से प्रॉफिट भी आ जाता। देखो आप 541 के ऊपर सपोज ट्रेड होता तो देखो 608 का हाई मारा था एक ही दिन में, यानी आप देखो कि मूवमेंट तो कितनी मूवमेंट आई, अच्छे से मूवमेंट 10-12% के ऊपर की मूवमेंट आ गई। तो इसलिए बोला गाइस कि आप इसमें रिस्क आपको मिलेगा, मैं 5 दूंगा तो उसमें से 3 में स्टॉप लॉस होगा, वो भी मैं बोलता हूँ आपको, लेकिन आप देखोगे तो स्टॉप लॉस 2-2% करके 6% होगा, लेकिन 2 में जब टारगेट होगा तो वो 9-9% का होगा, यानी 18% का टारगेट आपको होगा। तो 18 माइनस 6 करोगे तो भी आप 12% प्रॉफिट में रहोगे। अगर महीने में अपने, मैं आपको बता दूँ गाइज, ये अभी भी चालू किया है, तो मैं आपको जैसा भी 3 सेटअप दिया था गुरुवार को, तो 3 में से देखो एक्सेल शीट पे आपको डिटेल समझा ही दूंगा। जो भी ट्रेड एक्टिव होगा उसका एनालिसिस अपने इधर लिख के रखेंगे कि अपना क्या परफॉर्मेंस है। अगर जो इनवैलिड सेटअप है उसको अपने अवॉइड करेंगे। तो देखो 22/7 का आज एक ही ट्रेड एक्टिव हुआ था, क्योंकि हाईटेक तो अपने बाइंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ था, वो इनवैलिड सेटअप है। फिर हैप्पीएस्ट माइंड था, वो बाइंग प्राइस के ऊपर गया ही नहीं, तो भी इनवैलिड सेटअप है। और एक हिम्मत सिंह का सीड था, वो उसमें अपना ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस। तो आपने देखो बाइंग लेवल था 264.3, तो वो बाइंग प्राइस के ऊपर चला गया था और फिर वो नीचे आ गया, यानी 259 का अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, यानी अपने को एक ट्रेड एक्टिव हुआ उसमें 2% का लॉस आया। तो गाइस, ये मैं पूरा आपको एनालिसिस दूंगा 20 से 25 ट्रेड का, उसके बाद आप एनालिसिस करना कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप मतलब बड़ी अमाउंट से भी कर सकते हो। अभी आप पेपर ट्रेडिंग या तो 2-5 हज़ार से भी कर सकते हो इसमें, छोटी अमाउंट से, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपना एक ही ट्रेड हुआ उसमें स्टॉप लॉस हो गया। अभी 23 तारीख के मैं 5 ट्रेड बताने जा रहा हूँ, उसमें सेम सेटअप रहेगा। उसमें आपको मैंने बोला कि हैप्पीएस्ट माइंड में बाइंग प्राइस के ऊपर गया नहीं, तो अपने इसको अभी भी बाय कर सकते हैं। बाय करने का रीज़न आप देखोगे तो RSI 50 की वैल्यू देखो 70 के ऊपर तो अभी भी है, तो अपने रेड कैंडल का वेट करेंगे, तो रेड कैंडल फिर से बन गई आज के दिन में, तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपने बाय करेंगे, तो हाई नोट कर लेंगे 1519.95 है, तो अपने 10 पैसा बफर रखेंगे, यानी 1520.5 पैसा अपना क्या हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड में ट्रिगर प्राइस हो गया। उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये सपोज अपने ट्रिगर प्राइस है, तो स्टॉक इसके ऊपर ओपन होना नहीं चाहिए, इसके नीचे ओपन होके फिर ब्रेक करे तो ही अपने वैलिड सेटअप में काउंट करेंगे। तो 1520.5 पैसा के नीचे स्टॉक कल ओपन होता है 9:07 पे, तो आप देख सकते हो, अपने वॉचलिस्ट में लगा सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप इसको इनवैलिड सेटअप की वजह से ट्रेड मत करना। तो 1520.5 पैसा पहला टारगेट 6% का रहेगा, तो आप कैलकुलेशन करोगे 1520.5 पैसा और प्लस 6%, यानी होगा 1611.25, और दूसरा टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा 1702.45 रहेगा। दूसरा टारगेट, यानी पहला टारगेट 6% पे रहेगा, दूसरा टारगेट 12% पे रहेगा, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा 1489.65,
ये अपना स्टॉप लॉस, वो कैसे अपने कैलकुलेशन किया, तो 1520.5 पैसा माइनस 2% करोगे तो आपने को वो लेवल मिल जाएगा 1489.65 का, अपना क्या हो गया स्टॉप लॉस हो गया। तो हैप्पीएस्ट माइंड में आप कल ट्रेड कर सकते हो, 1520.5 अपना ट्रिगर प्राइस है, लेकिन ओपन आप देखना कहाँ पे होता है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक आपको बता दिया, तो गाइज ये बहुत मोमेंटम स्टॉक होते हैं, आपको आराम से इसमें पैसे मिल सकते हैं, अगर ट्रेड करते हो तो 20-30% भी मूवमेंट आ सकती है। दूसरा स्टॉक का नाम है डीवीएल, डीवीएल बाय करने का रिजल्ट देखो, रीज़न देखो, RSI 50 कितना है, 70 के ऊपर है, तो अपने रेड कैंडल का वेट करेंगे। तो रेड कैंडल अपने को इधर मिल गई है ये वाली आज के दिन, तो अभी रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपने बाय करेंगे। तो देखो अभी क्या है, 317.50 है हाई प्राइस, तो अपने 317.60 पे बाय करेंगे, अपना पहला टारगेट रहेगा वो 336.65 रहेगा, 6% का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 12% का रहेगा वो 355.76 पैसा, और अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा 317.60 माइनस 2% यानी 311.25 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो DVL में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और तीसरा स्टॉक है जिसका नाम है CDSL, CDSL में पहले भी एक बाइंग लेवल आया था, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मैं वो एक मैंने बाय कराया था, यहाँ पे ही करीब था बाय, तो देखो कितना अच्छे से मूवमेंट दिया था, फिर से रेड कैंडल बनी है और RSI देखो 70 के ऊपर है, तो अपने इसको बाय कर सकते हैं। तो CDSL का आज का हाई देख लेते हैं, जो रेड कैंडल है उसका हाई, तो हाई कितना है 1464.95 है, तो यानी आप कब बाय करेंगे, 1465 पैसा अपना क्या हो गया ट्रिगर प्राइस, पहला टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा 1552.95 का क्या रहेगा अपना पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा वो 1640.85 का अपना क्या रहेगा दूसरा टारगेट यानी 12%। तो अगर दोनों टारगेट अचीव हो जाए तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस अपने कौन सा लगाएंगे 1465.5 पैसा माइनस 2% यानी कितना आएगा उसका वैल्यू 1435.75, ये अपना क्या हो गया स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखना गाइस, ऐसा हो तो पहले पेन और पेपर में लिख देना, क्योंकि वीडियो में आपको याद ना रहे तो पेन और पेपर में लिख भी सकते हो, फिर अपने वॉच लिस्ट में कोई आता है उसका आप ध्यान में रख सकते हो, और ट्रिगर जैसे होता है तो आप उसको स्टॉप लॉस फिर सिस्टम में डाल सकते हो। अभी चौथा स्टॉक है जिसका नाम है थेमिस मेडिकेयर, थेमिस मेडिकेयर भी अपने बाय कर सकते हैं। तो सेम सेटअप है अपना, आप देखोगे तो RSI 50 की वैल्यू देखो 70 के ऊपर है, तो अपने बाय कर सकते हो, और रेड कैंडल बनी हुई है आज के दिन, तो अपने बाय करेंगे गाइज। ये आज के दिन ही यानी फ्राइडे के दिन ही ब्रेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आप फिर मंडे को वही लेवल याद रखो, ये सिर्फ कल के लेवल ही है, फ्राइडे के लेवल ही है। तो अपने अभी देखो उसका हाई देख लेते हैं, रेड कैंडल का हाई कितना है 960 का है, तो अपने थेमिस मेडिकेयर को कब बाय करेंगे 960.10 पैसे पे अपने बाय करेंगे, अपने ट्रिगर प्राइस रहेगी, पहला टारगेट कितना रहेगा 1017.70 पैसा अपना क्या रहेगा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा वो 1075.3 का रहेगा, ये अपना क्या रहा है 12% का दूसरा टारगेट, और अपने अगर ट्रिगर हो जाता है तो स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे 940.9 का क्या लगाएंगे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये चौथा स्टॉक हो गया जिसमें आप ध्यान में रख सकते हो। और पांचवा और आखिरी स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रिसीजन कैम शाफ्ट, प्री कैम बोलते हैं उसको, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। उसका सेटअप आपको बता देता हूँ, देखो लेवल देखो RSI 50 का लेवल देखो 70 के ऊपर है, यानी परफेक्ट मोमेंटम स्टॉक है, अभी वो स्टॉक यहाँ से भागने के लिए रेडी है, लेकिन इसके लिए ये जो आज का हाई बना है वो ब्रेक करना जरूरी है। मैं गाइज आपको लिख के देता हूँ पांच स्टॉक है, उसमें से एक या दो ही आपको वैलिड सेटअप में मिलेंगे, सारे स्टॉक ऐसा नहीं है कि वैलिड सेटअप में मिलेंगे, तो आप वो लेवल लिख के रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं जो बताया सारे वैलिड सेटअप में होंगे। गैप अप ओपन होता है तो उसको अवॉइड कर सकते हो, और दूसरा कि ब्रेक का अगर जो ट्रिगर प्राइस है वो ब्रेक नहीं होता तो भी आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अभी 108.25 हाई है आज का, तो 108.35 अपना क्या हो गया 10 पैसा ऊपर बफर लगाएंगे, यानी 108.35 अपना ट्रिगर प्राइस हो गया, पहला टारगेट रहेगा वो 114.85 का रहेगा, 6% का टारगेट रहेगा, 12% का टारगेट दूसरा रहेगा वो 121.35 का रहेगा, ये दूसरा टारगेट रहेगा। जब भी ट्रिगर होता है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो 106.85
दो का रहेगा, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है गाइस, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक ऐसा जरूर नहीं ऊपर ही जाते, जब नीचे आते तो भी वो 4-5 दिन नीचे ही आते रहते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस टाइट लगाना जरूरी है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, आप देखोगे तो आराम से रिस्क 1:4, 1:5 का रिस्क है, यानी अपने 10 ट्रेड समझो लेंगे, उसमें से 6 में भी ट्रेड अपने स्टॉप लॉस हो गया, यानी अपने 12% का लॉस हो गया, लेकिन जो 4 में अपने को टारगेट होगा वो 36% अपने कमाएंगे, तो आप 36 में से 12 निकालोगे तो भी आराम से 24% का अपने प्रॉफिट लेके चलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अपने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। अगर महीने के एंड में अपने को 5% भी प्रॉफिट मिलता है गाइस, तो ये स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है, क्योंकि इंट्राडे में बहुत टफ होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो अपने 20 या 25 ट्रेड करेंगे, और उसका एनालिसिस आपको मैंने जैसे एक्सेल शीट में समझाया, वैसे जो भी 5 ट्रेड में से जैसे कल कोई एक्टिव होगा तो उसको एक्सेल शीट में मैं डाल दूंगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझा दूंगा कि प्लस माइनस कितना हुआ। अब 25 ट्रेड का आपने फिर एनालिसिस करेंगे, अच्छा रहेगा तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो गाइज 5 ट्रेड हो गए, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, या तो छोटी अमाउंट से पेपर ट्रेड कर सकते हो, जैसे 2-5 हज़ार के, मतलब 1 हज़ार के भी स्टॉक ले सकते हो आप। तो आराम से इसमें ट्रेडिंग करके आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो गाइज। तो ये 5 ट्रेड में आप कल वॉचलिस्ट में लगा सकते हो लेवल। थैंक यू वेरी मच गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं, तो प्लीज़ गाइज और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है गाइज। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और फ्राइडे के दिन तो अभी गाइज कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन सैटरडे को मैं डार्क वॉच देता हूँ और संडे को स्विंग ट्रेड देता हूँ, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, और डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो गाइज। थैंक यू, बाय बाय।